फिल्मों को ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए आजकल आइटम सॉन्ग का सहारा लिया जा रहा है, और इन आइटम सॉन्ग्स में आइटम गर्ल भी काफ़ी हॉट और खूबसूरत होनी चाहिए। ऐसे में बॉलीवुड की कई दिग्गज अभिनेत्रियां भी आज आइटम गर्ल्स बन रही है। यह आइटम गर्ल्स अपने एक आइटम सॉन्ग्स के लिए काफ़ी भारी भरकम फीस भी वसूलती है। आइए आपक बताते हैं बॉलीवुड की सात सबसे महंगी आइटम गर्ल्स के बारे में। एक, सनी लियोन। बॉलीवुड की सबसे हॉट अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली सनी लियोन की भी आइटम सॉन्ग्स में काफ़ी डिमांड है। वह शाहरुख खान की फिल्म रईस में भी आइटम सॉन्ग कर चुकी है और अपने एक आइटम सॉन्ग के लिए 4.5 करोड़ रुपए फीस वसूलती है। दो, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ज़्यादातर ए ग्रेड की फिल्मों में आइटम सॉन्ग करना पसंद करती है। वह राम जाने जैसा बेहतरीन आइटम सॉन्ग भी कर चुकी है। प्रियंका चोपड़ा अपने एक आइटम सॉन्ग के लिए 3.4 करोड़ रुपये फीस वसूलती है। तीन, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ चिकनी चमेली और शीला की जवानी जैसे कई सुपरहिट आइटम सॉन्ग कर चुकी है और कैटरीना कैफ अपनी एक आइटम सॉन्ग के लिए 3 करोड़ रुपए की फीस लेती है। चार, दीपिका पादुकोण। वैसे देखा जाए तो दीपिका पादुकोण ज़्यादा कोई आइटम सॉन्ग नहीं करती है, लेकिन वह अपने किसी खास निर्माता या एक्टर के लिए आइटम सॉन्ग करना पसंद करती है और उसके लिए वह 3 करोड़ रुपये फीस लेती है। पाँच, जैकलीन फर्नांडिस। फिल्म बागी 2 के लिए जैकलीन फर्नांडिस ने 1-2-3 आइटम सॉन्ग किया था। जैकलीन एक आइटम सॉन्ग के लिए 2 करोड़ रुपए फीस लेती है। 6, मलाइका अरोड़ा। वैसे तो मलाइका अरोड़ा ज़्यादा आइटम सॉन्ग नहीं करती है, लेकिन मैं अपनी एक आइटम सॉन्ग के लिए 2 करोड़ रुपए फीस लेती है। 7, उर्वशी रौतेला। उर्वशी रौतेला आइटम सॉन्ग सारा जमाना में नजर आए।